Hello, students. Today we are going to study chapter number 7 of science series of class 5. This is interdependence in living beings, plants, and animals. In this, we are going to study plants as producers, animals as consumers, interdependence of plants and animals, food chain, and balance in nature now the first thing that we are going to discuss in this plants as producers now you know that all the plants all the green plants make their own food for animals and human beings jitne bhi green plants hai wo apna bhojan khana khud for themselves as well as for animals and human beings for all they are going to make the food so that's why we call them producers fine so they make their food and also the food for the animals as well as human beings you know that we have uh, every plant has green leaves these are the leaves that you can see these leaves has a presence of chlorophyll and this chlorophyll is uh, the chemical which is responsible for making their leaves green so Joe, uh, we have the croton uh, प्लांट इज देअर जिसके जो लीव हैं वो दे आर समवर्ट इन रेड बट वो रेड कलर के नीचे जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कलर फाइन वो लाल रंग के नीचे थोड़ा छुप जाता है बट ग्रीन कलर इज देअर सो दिस दीज लीव्स आर कॉल्ड एज द फूड फैक्ट्री वट वे कॉल्ड दैट फूड फैक्ट्री जहाँ पर हमारा खाना बनता है लाइक फूड किचन और फूड फैक्ट्री वो प्लांट के लिए कौन होता है ग्रीन लीव्स जो है वो एक किचन का काम करते हैं जहाँ पर खाना बनता है प्लांट्स के लिए नाउ द प्रोसेस दैट वी यूज फॉर मेकिंग ऑफ फूड इज फोटो सिंथेसिस दैट यू माइट हैव लर्न अर्लियर ऑल्सो फोटो सिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस फॉर प्लांट्स for plants they use photosynthesis process for making of food now what are the different things that they need for in the process of photosynthesis let's discuss that also first one is sunlight this is extremely important element in the process of photosynthesis sunlight sunlight is the basic requirement then they need water water unhe kahan se milta hai? soil say then carbon dioxide

स्टोमेटा ये स्मॉल होल्स में एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है नाउ दिस ग्रीन लीज हैज क्लोरोफिल सो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वाटर फ्रॉम द अर्थ सॉयल कार्बन डाइऑक्साइड दे मेक देयर फूड सो वॉट दे नीड फॉर दिस कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट वाटर एंड क्लोरोफिल और अपना खाना बनाने के बाद व्हाट दे गिव्स आउट बाहर क्या देते हैं वो ऑक्सीजन एंड वाटर वैपर सो दे दे टेक और एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट वाटर फाइन एंड दे गिव्स आउट हमें देते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर नाउ वी हैव जस्ट डिस्कस्ड प्लांट्स एज प्रोड्यूसर्स द सेकेंड स्टेप इन दिस इज एनिमल्स एज कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं खाते हैं दूसरे से लेकर वो खुद नहीं बना सकते हैं सो एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड कोई भी एनिमल चाहे वो फिश हो या ह्यूमन बींग्स हैं या ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स दे ऑल आर कंज्यूमर्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देम फाइन। नाउ नाओ वी हैव एनिमल्स दैट ईट फ्लैश मिल्क ऑफ दिस प्लांट ईटिंग द एनिमल्स फाइन सो कुछ एनिमल्स को खाते हैं दूसरे एनिमल्स को कुछ प्लांट्स को खाते हैं सो डिपेंडिंग ऑन दीज ईटिंग हैबिट्स वी कैन डिवाइड देम इन टू डिफरेंट कैटेगरीज लाइक हर्बिवियोरियर्स कार्निवोरियर्स हर्बीवोर्स कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स हर्बिवर्स दैट ईट प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल डियर जिराफ एलिफेंट कार्निवोरियस दैट ईट

दे ईट फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स लाइक डॉग यू हैव मंकीज यू हैव पिग्स फाइन हाउ आर चैप्टर इंटर डिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर अब अगर हम प्लांट्स uh, की बात करते हैं तो कर, uh, अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमन बींग्स को सांस लेने के, के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन फाइन सो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है दैट वी एक्सेल जब हम सांस लेते हैं तो हम जब छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड सो वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग आर ब्रीदिंग प्रोसेस और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स यूज कर सकते हैं सो so ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट्स को क्या देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वो कौन देते हैं ह्यूमन बींग्स सो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स प्लांट्स को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बींग यूज फॉर मेकिंग देअर फूड और इन रिटर्न प्लांट्स हमें क्या देते हैं ऑक्सीजन फाइन सो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अगर एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी देविल डाई और अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को नहीं मिलेगी तो देविल डाई सो दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है now let's discuss the food chain after the interdependence food chain describes the feeding relationship between plants and animals plants animals ke beech mein jo uh, khane ki relationship hai feeding relationship hai usko kaun batata hai hame food chain जैसे you can see the diagram, grass grass कौन खाता है rabbit, और फिर rabbit को कौन खा जाता है fox. so, ये एक चेन है इस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन अब इस फूड चेन में देर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट शुड बी डिस्कस्ड लाइक यू हैव कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन फूड चेन में हमारे पास कौन कौन से तीन चीज़ें हैं सो so, सबसे पहले हमारे पास है प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं देन कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स अब उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास डिकम्पोजर्स डीकम्पोजर्स होते हैं लाइक फंगी बैक्टीरिया जो डेड और डिकेंग दिस इज डेड और डिकेंग जो मर चुके हैं या सड़े हुए प्लांट्स हैं उनको वो खाते हैं सो so, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए वी नीड टू हैव द डिकम्पोजर दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जैसे कोई जानवर मर जाते हैं या कोई प्लांट्स मर जाते हैं अगर डी नहीं होंगे तो उनको कोई खा ही नहीं पाएगा उनको कौन खाएगा सो so, वो ऐसे ही हमारे जो अर्थ है उसको उसकी क्लीनिनेस को कम करेंगे तो so, ये जो डीकम्पोजर्स हैं वो उस डेड डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट को वो खाते हैं और हमारे अर्थ को क्लीन रखते हैं सो इन दो वन मोर कैटेगरीज इज देअर दे आर स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स आर द वर्ल्चर्स और द क्रो। दीज आर द एनिमल्स हु फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स डेड एनिमल्स और प्लांट्स को वो खाते हैं एंड दे uh,

खा जाते हैं जिससे हमारी अर्थ जो है वो क्लीन रहती है अब देर शुड बी अ बैलेंस इन नेचर ना तो प्लांट्स ज़्यादा होने चाहिए ना ही एनिमल ज़्यादा होने चाहिए अगर प्लांट्स ज़्यादा हो गए तो क्या होगा हमारी धरती पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी फाइन और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी अगर एनिमल्स कम होंगे तो सो एनी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स कम होंगे तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए जो है एक मेन इन्ग्रीडियंट्स वही नहीं मिल पाएगा सो so, ना तो प्लांट्स ज़्यादा होने चाहिए हमारी अर्थ पर और ना ही जो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स ज़्यादा होना चाहिए एक बैलेंस होना चाहिए दैट बैलेंस इज इकोसिस्टम फाइन सो द बैलेंस बिटवीन ऑल द प्लांट्स एनिमल्स इज़ बींग टर्म्ड एज इकोसिस्टम सो हमारा जो बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज कुछ भी कम ज़्यादा होता है दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द अर्थ सो कॉजिज ऑफ इम्बैलेंसेज इफ़ यू रीड दे आर दे आर सम नेचुरल कॉजेस लाइक वलकैनिक इराप्शन कहीं पर वलकैनो जो है वो फट जाता है या फिर फ्लड्स आ जाते हैं या फिर या हमारे पास ड्रॉट सूखा हो जाता है बारिश नहीं होती साइक्लोन आते हैं सुनामी आती है सो दीज आर द सम नेचुरल रीजंस ऑफ इम्बेलेंसेज इन द इकोसिस्टम दूसरा मैन मेड भी होते हैं जिसके लिए ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल हैं लाइक डिफॉरेस्टेशन अगर हम अपने जो हमारे जंगल हैं उनको काटते हैं या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज फाइन जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है एक नया अननोन वायरस है जिसको हमने अपनी पूरी दुनिया में Uh, भेज दिया है फैल गया है उसकी वजह से लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस फॉरेस्ट फायर्स हैं जंगलों में आग लग जाती है पोल्यूशन यू हैव सीन ड्यूरिंग दिवाली एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्मोक देन ओवर हंटिंग ऑफ स्पीसीज हम कुछ जानवरों को अपने लालच के लिए मारते हैं लाइक like, टाइगर की स्किन के लिए स्नेक की स्किन के लिए हम उनको मारते हैं सो दैट ऑल्सो कॉजिज अम्बेलेंस इन द इकोसिस्टम fine so we should always take steps to avoid that okay now it's time to discuss the, the exercise part but before that please please do subscribe to my channel and hit the bell button or uh, like karna to please gayi mat so take the correct option green colored substance present in the leaves is chlorophyll which of the following are decomposers this is fungi Animals that eat dead and decaying animals are squangers, which is not a natural cause of ecological imbalance, deforestation, because deforestation means cutting of jungle, which is being done by the human beings. Then the next one, let us take up that also quickly. Fine. So, 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 let us take up. Okay. The process by which green plants make their own food food is photosynthesis green pigment present in the plants chlorophyll animals that eat both plants and animals omnivores food factory of plants leaves the chain that shows the flow of nutrients and energy among the living organization is organisms are food chain animals that feed on dead and decaying animals and plants are scavengers like crow and eagle